टूटा था न टूटेगा, क्योंकि जिसको जनता प्यार करती है उसे कोई हरा नहीं सकता न ही कोई रोक सकता है। शेर भूखा हो तो शिकार खतरनाक करता है, नेता जिद्दी हो तो पलटवार भयंकर करता है। जिस योगी को मिटाने की प्लानिंग है उस योगी की ताकत से घबरा गई पूरी बीजेपी। बुलडोजर बाबा सिंघम अधिकारी दबंग डीएम सिस्टम पे कंट्रोल, रोने वालों की खुल गई पोल। पिछले 7 साल से नहीं पिछले 24 साल से योगी को मिटाने की तैयारी यूपी से लेकर दिल्ली तक चल रही है, लेकिन क्या कोई मिटा पाया? योगी का इतिहास इतना हल्का और इतना कमजोर कभी नहीं रहा। उन्हें गद्दी मिली तो भी नहीं मिली तो भी वो ताकतवर हमेशा रहे। ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन फिलहाल यूपी में योगी को हटाना ये बीजेपी के हाथ में नहीं है बल्कि खुद योगी के हाथ में है। योगी को हटाने की कोशिश तो सालों से चल रही है, लेकिन क्या योगी ने अपना स्टाइल बदला? किसी के सामने झुके? किसी अतीक या मुख्तार से समझौता किया? योगी की कार्यशैली अलग है, वो किसी दबाव में काम करने के आदि नहीं है। उनका अपना स्टाइल है, उनका बुलडोजर और सिंघम पुलिस भी रेडी रहती है। 4 जून के नतीजों के बाद बहुत कुछ सामने निकल कर आया, लेकिन हुआ क्या? योगी पार्टी में कोई ताकत ना होती तो वो चुनाव के बाद अपनी टीम कैसे बना लेते? अपने खास अधिकारियों को अपने पास कैसे बुला लेते? सिस्टम का पूरा कंट्रोल योगी के हाथों में कैसे आ जाता? योगी अपने मनपसंद आईएएस अधिकारी मनोज सिंह को चीफ सेक्रेटरी बनाने में सफल रहे, हालांकि वो चाहते बहुत पहले से थे, लेकिन दिल्ली की चाहत दुर्गा शंकर मिश्रा की थी, इसीलिए उन्हें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहा, वो भी योगी के ना चाहते हुए भी। लेकिन अब मनोज सिंह के मुख्य सचिव बनते ही पूरा सिस्टम अपने हाथों में आ गया और पूरे राज्य में योगी का फुल कमांड है। अपने टीम का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा वो आपको समझाते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक, एक भी ट्रांसफर या पोस्टिंग भी बिना योगी के मर्जी के नहीं करवा सकते, फिर चाहे दिल्ली से ही जोर क्यों न लगवाना पड़े। इसीलिए छटपटाहट साफ दिखने लगी मौर्य के चेहरे पर और कार्य समिति की बैठक में उनकी बेवसी जुबान पर भी आ गई। केशव का ये चेहरा उसी कार्य समिति की बैठक का है जहां उनका रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा है, जहां देखकर साफ लगता है बगावत का प्रयास तो पूरा है लेकिन योगी है कि हटते नहीं। केशव कहते हैं कार्यकर्ता बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा, लेकिन इतने गुस्से में क्यों कहना पड़ा? ये बात तो दुनिया जानती है कि किसी भी सरकार से संगठन बड़ा होता है। आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है। अटल आडवाणी युग में बेशक कल्याण सिंह का कद छोटा हो गया, लेकिन योगी ने तब भी मोर्चा संभाले रखा। महिला आरक्षण का मुद्दा आया तो योगी ने सबसे पहले विरोध किया, पार्टी छोड़ देने की बात की, लेकिन क्या हुआ? कोई कुछ नहीं कर पाया। अब मोदी शाह की जोड़ी अगर केशव और पाठक के साथ मिलकर कुछ करना भी चाहे तो योगी इतने हल्के नहीं कि उन्हें मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। होता वही है जो योगी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समय अपने हिसाब से चल लेता है। योगी को हराने और उनको रोकने का हर प्रयास बीजेपी में चल रहा है, लेकिन योगी के साथ उनके गुरु का आशीर्वाद भी है। उनकी कुंडली कहती है कि शायद ही कोई है जो उन्हें रोक पाए। विरोध तो मोदी का भी हुआ था, लेकिन जनता ने पीएम बना दिया, अब योगी का विरोध हो रहा है। योगी के पीछे मोदी शाह की जोड़ी ही खड़ी है तो फिर जनता ही दोनों को उतार कर योगी को कुर्सी पर बैठा देगी, क्योंकि जनता ऐसे ही न्याय करती है। अगर किसी काम करने वाले को किसी ने छेड़ा तो फिर उसके लिए जनता अपने न्याय से ही इंसाफ करती है। योगी अकेले इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहते कि पार्टी में लूट मची रहे। सरकार में लोग 40-40 लाख रुपए लेकर बेरोजगारों को कॉल लेटर पकड़ाते रहे। साठ और पेपर लीक जैसा मुद्दा बेशक योगी के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर कोई जानता है कि खुद योगी बेईमानी नहीं करते। योगी को हटाना, योगी को मिटाना ये इंसान के हाथ में होता तो मुख्तार जैसे लोग कब का कर चुके होते। इसीलिए बीजेपी अपना वक्त और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है। योगी का तिलिस्म ना टूटा था न टूटेगा, क्योंकि जिसको जनता प्यार करती है उसे कोई हरा नहीं सकता न ही कोई रोक सकता है। शेर भूखा हो तो शिकार खतरनाक करता है, नेता जिद्दी हो तो पलटवार भयंकर करता है। जिस योगी को मिटाने की प्लानिंग है
उस योगी की ताकत से घबरा गई पूरी बीजेपी। बुलडोजर बाबा सिंघम अधिकारी दबंग डीएम सिस्टम पे कंट्रोल, रोने वालों की खुल गई पोल। पिछले 7 साल से नहीं, पिछले 24 साल से योगी को मिटाने की तैयारी यूपी से लेकर दिल्ली तक चल रही है, लेकिन क्या कोई मिटा पाया? योगी का इतिहास इतना हल्का और इतना कमजोर कभी नहीं रहा। उन्हें गद्दी मिली तो भी नहीं मिली तो भी वो ताकतवर हमेशा रहे। ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन फिलहाल यूपी में योगी को हटाना ये बीजेपी के हाथ में नहीं है, बल्कि खुद योगी के हाथ में है। योगी को हटाने की कोशिश तो सालों से चल रही है, लेकिन क्या योगी ने अपना स्टाइल बदला? किसी के सामने झुके? किसी अतीक या मुख्तार से समझौता किया? योगी की कार्यशैली अलग है, वो किसी दबाव में काम करने के आदी नहीं है। उनका अपना स्टाइल है, उनका बुलडोजर और सिंघम पुलिस भी रेडी रहती है। 4 जून के नतीजों के बाद बहुत कुछ सामने निकल कर आया, लेकिन हुआ क्या? योगी पार्टी में कोई ताकत ना होती तो वो चुनाव के बाद अपनी टीम कैसे बना लेते? अपने खास अधिकारियों को अपने पास कैसे बुला लेते? सिस्टम का पूरा कंट्रोल योगी के हाथों में कैसे आ जाता? योगी अपने मनपसंद आईएएस अधिकारी मनोज सिंह को चीफ सेक्रेटरी बनाने में सफल रहे, हालांकि वो चाहते बहुत पहले से थे, लेकिन दिल्ली की चाहत दुर्गा शंकर मिश्रा की थी, इसीलिए उन्हें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहा, वो भी योगी के ना चाहते हुए भी। लेकिन अब मनोज सिंह के मुख्य सचिव बनते ही पूरा सिस्टम अपने हाथों में आ गया और पूरे राज्य में योगी का फुल कमांड है। अपने टीम का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा वो आपको समझाते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक, एक भी ट्रांसफर या पोस्टिंग भी बिना योगी के मर्जी के नहीं करवा सकते, फिर चाहे दिल्ली से ही जोर क्यों न लगवाना पड़े। इसीलिए छटपटाहट साफ दिखने लगी मौर्य के चेहरे पर, और कार्यसमिति की बैठक में उनकी बेवसी जुबान पर भी आ गई। केशव का ये चेहरा उसी कार्यसमिति की बैठक का है जहां उनका रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा है, जहां देखकर साफ लगता है बगावत का प्रयास तो पूरा है, लेकिन योगी है कि हटते नहीं। केशव कहते हैं कार्यकर्ता बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा, लेकिन इतने गुस्से में क्यों कहना पड़ा? ये बात तो दुनिया जानती है कि किसी भी सरकार से संगठन बड़ा होता है। और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता मामले देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अटल आडवाणी युग में बेशक कल्याण सिंह का कद छोटा हो गया, लेकिन योगी ने तब भी मोर्चा संभाले रखा। महिला आरक्षण का मुद्दा आया तो योगी ने सबसे पहले विरोध किया, पार्टी छोड़ देने की बात की, लेकिन क्या हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया। अब मोदी शाह की जोड़ी अगर केशव और पाठक के साथ मिलकर कुछ करना भी चाहे तो योगी इतने हल्के नहीं कि उन्हें मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। होता वही है जो योगी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समय अपने हिसाब से चल लेता है। योगी को हराने और उनको रोकने का हर प्रयास बीजेपी में चल रहा है, लेकिन योगी के साथ उनके गुरु का आशीर्वाद भी है। उनकी कुंडली कहती है कि शायद ही कोई है जो उन्हें रोक पाए। विरोध तो मोदी का भी हुआ था, लेकिन जनता ने पीएम बना दिया, अब योगी का विरोध हो रहा है। योगी के पीछे मोदी शाह की जोड़ी ही खड़ी है, तो फिर जनता ही दोनों को उतार कर योगी को कुर्सी पर बैठा देगी, क्योंकि जनता ऐसे ही न्याय करती है। अगर किसी काम करने वाले को किसी ने छेड़ा तो फिर उसके लिए जनता अपने न्याय से ही इंसाफ करती है। योगी अकेले इसलिए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि पार्टी में लूट मची रहे। सरकार में लोग 40-40 लाख रुपए लेकर बेरोजगारों को कॉल लेटर पकड़ाते रहे। साड और पेपर लीक जैसा मुद्दा बेशक योगी के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर कोई जानता है कि खुद योगी बेईमानी नहीं करते। योगी को हटाना, योगी को मिटाना ये इंसान के हाथ में होता तो मुख्तार जैसे लोग कब का कर चुके होते। इसीलिए बीजेपी अपना वक्त और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है। योगी का तिलिस्म ना टूटा था ना टूटेगा, क्योंकि जिसको जनता प्यार करती है उसे कोई हरा नहीं सकता, ना ही कोई रोक सकता है। शेर भूखा हो तो शिकार खतरनाक करता है, नेता जिद्दी हो तो पलटवार भयंकर करता है। जिस योगी को मिटाने की प्लानिंग है उस योगी की ताकत से घबरा गई पूरी बीजेपी। बुलडोजर बाबा सिंघम अधिकारी दबंग डीएम सिस्टम पे कंट्रोल, रोने वालों की खुल गई पोल। पिछले 7 साल से नहीं, पिछले 24 साल से योगी को मिटाने की तैयारी
यूपी से लेकर दिल्ली तक चल रही है, लेकिन क्या कोई मिटा पाया? योगी का इतिहास इतना हल्का और इतना कमजोर कभी नहीं रहा। उन्हें गद्दी मिली तो भी नहीं, नहीं मिली तो भी वो ताकतवर हमेशा रहे। ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन फिलहाल यूपी में योगी को हटाना ये बीजेपी के हाथ में नहीं है, बल्कि खुद योगी के हाथ में है। योगी को हटाने की कोशिश तो सालों से चल रही है, लेकिन क्या योगी ने अपना स्टाइल बदला? किसी के सामने झुके? किसी अतीक या मुख्तार से समझौता किया? योगी की कार्यशैली अलग है, वो किसी दबाव में काम करने के आदि नहीं है। उनका अपना स्टाइल है, उनका बुलडोजर और सिंघम पुलिस भी रेडी रहती है। 4 जून के नतीजों के बाद बहुत कुछ सामने निकल कर आया, लेकिन हुआ क्या? योगी पार्टी में कोई ताकत ना होती तो वो चुनाव के बाद अपनी टीम कैसे बना लेते? अपने खास अधिकारियों को अपने पास कैसे बुला लेते? सिस्टम का पूरा कंट्रोल योगी के हाथों में कैसे आ जाता? योगी अपने मनपसंद आईएएस अधिकारी मनोज सिंह को चीफ सेक्रेटरी बनाने में सफल रहे, हालांकि वो चाहते बहुत पहले से थे, लेकिन दिल्ली की चाहत दुर्गा शंकर मिश्रा की थी, इसीलिए उन्हें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहा, वो भी योगी के ना चाहते हुए भी। लेकिन अब मनोज सिंह के मुख्य सचिव बनते ही पूरा सिस्टम अपने हाथों में आ गया और पूरे राज्य में योगी का फुल कमांड है। अपने टीम का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा वो आपको समझाते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक, एक भी ट्रांसफर या पोस्टिंग भी बिना योगी के मर्जी के नहीं करवा सकते, फिर चाहे दिल्ली से ही जोर क्यों न लगवाना पड़े। इसीलिए छटपटाहट साफ दिखने लगी मौर्य के चेहरे पर, और कार्य समिति की बैठक में उनकी बेवसी जुबान पर भी आ गई। केशव का ये चेहरा उसी कार्य समिति की बैठक का है जहां उनका रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा है, जहां देखकर साफ लगता है बगावत का प्रयास तो पूरा है, लेकिन योगी है कि हटते नहीं। केशव कहते हैं कार्यकर्ता बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा, लेकिन इतने गुस्से में क्यों कहना पड़ा? ये बात तो दुनिया जानती है कि किसी भी सरकार से संगठन बड़ा होता है। और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अटल आडवाणी युग में बेशक कल्याण सिंह का कद छोटा हो गया, लेकिन योगी ने तब भी मोर्चा संभाले रखा। महिला आरक्षण का मुद्दा आया तो योगी ने सबसे पहले विरोध किया, पार्टी छोड़ देने की बात की, लेकिन क्या हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया। अब मोदी शाह की जोड़ी अगर केशव और पाठक के साथ मिलकर कुछ करना भी चाहे तो योगी इतने हल्के नहीं कि उन्हें मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। होता वही है जो योगी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समय अपने हिसाब से चल लेता है। योगी को हराने और उनको रोकने का हर प्रयास बीजेपी में चल रहा है, लेकिन योगी के साथ उनके गुरु का आशीर्वाद भी है। उनकी कुंडली कहती है कि शायद ही कोई है जो उन्हें रोक पाए। विरोध तो मोदी का भी हुआ था, लेकिन जनता ने पीएम बना दिया, अब योगी का विरोध हो रहा है। योगी के पीछे मोदी शाह की जोड़ी ही खड़ी है, तो फिर जनता ही दोनों को उतार कर योगी को कुर्सी पर बैठा देगी, क्योंकि जनता ऐसे ही न्याय करती है। अगर किसी काम करने वाले को किसी ने छेड़ा तो फिर उसके लिए जनता अपने न्याय से ही इंसाफ करती है। योगी अकेले इसलिए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि पार्टी में लूट मची रहे। सरकार में लोग 40-40 लाख रुपए लेकर बेरोजगारों को कॉल लेटर पकड़ाते रहे। साठ और पेपर लीक जैसा मुद्दा बेशक योगी के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर कोई जानता है कि खुद योगी बेईमानी नहीं करते। योगी को हटाना, योगी को मिटाना, ये इंसान के हाथ में होता तो मुख्तार जैसे लोग कब का कर चुके होते। इसीलिए बीजेपी अपना वक्त और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है। योगी का तिलिस्म ना टूटा था ना टूटेगा, क्योंकि जिसको जनता प्यार करती है उसे कोई हरा नहीं सकता, ना ही कोई रोक सकता है। शेर भूखा हो तो शिकार खतरनाक करता है, नेता जिद्दी हो तो पलटवार भयंकर करता है। जिस योगी को मिटाने की प्लानिंग है उस योगी की ताकत से घबरा गई पूरी बीजेपी। बुलडोजर बाबा, सिंघम अधिकारी, दबंग डीएम, सिस्टम पे कंट्रोल, रोने वालों की खुल गई पोल। पिछले 7 साल से नहीं, पिछले 24 साल से योगी को मिटाने की तैयारी यूपी से लेकर दिल्ली तक चल रही है, लेकिन क्या कोई मिटा पाया? योगी का इतिहास इतना हल्का और इतना कमजोर कभी नहीं रहा। उन्हें गद्दी मिली तो भी नहीं, नहीं मिली तो भी वो ताकतवर हमेशा रहे।
ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन फिलहाल यूपी में योगी को हटाना ये बीजेपी के हाथ में नहीं है, बल्कि खुद योगी के हाथ में है। योगी को हटाने की कोशिश तो सालों से चल रही है, लेकिन क्या योगी ने अपना स्टाइल बदला, किसी के सामने झुके, किसी अतीक या मुख्तार से समझौता किया? योगी की कार्यशैली अलग है, वो किसी दबाव में काम करने के आदि नहीं है। उनका अपना स्टाइल है, उनका बुलडोजर और सिंघम पुलिस भी रेडी रहती है। 4 जून के नतीजों के बाद बहुत कुछ सामने निकल कर आया, लेकिन हुआ क्या? योगी पार्टी में कोई ताकत ना होती तो वो चुनाव के बाद अपनी टीम कैसे बना लेते, अपने खास अधिकारियों को अपने पास कैसे बुला लेते, सिस्टम का पूरा कंट्रोल योगी के हाथों में कैसे आ जाता? योगी अपने मनपसंद आईएएस अधिकारी मनोज सिंह को चीफ सेक्रेटरी बनाने में सफल रहे, हालांकि वो चाहते बहुत पहले से थे, लेकिन दिल्ली की चाहत दुर्गा शंकर मिश्रा की थी, इसीलिए उन्हें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहा, वो भी योगी के ना चाहते हुए भी। लेकिन अब मनोज सिंह के मुख्य सचिव बनते ही पूरा सिस्टम अपने हाथों में आ गया और पूरे राज्य में योगी का फुल कमांड है। अपने टीम का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा वो आपको समझाते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक, एक भी ट्रांसफर या पोस्टिंग भी बिना योगी के मर्जी के नहीं करवा सकते, फिर चाहे दिल्ली से ही जोर क्यों न लगवाना पड़े। इसीलिए छटपटाहट साफ दिखने लगी मौर्य के चेहरे पर, और कार्यसमिति की बैठक में उनकी बेवसी जुबान पर भी आ गई। केशव का ये चेहरा उसी कार्यसमिति की बैठक का है जहां उनका रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा है, जहां देखकर साफ लगता है बगावत का प्रयास तो पूरा है, लेकिन योगी है कि हटते नहीं। केशव कहते हैं कार्यकर्ता बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा, लेकिन इतने गुस्से में क्यों कहना पड़ा? ये बात तो दुनिया जानती है कि किसी भी सरकार से संगठन बड़ा होता है। और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता मामले देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अटल आडवाणी युग में बेशक कल्याण सिंह का कद छोटा हो गया, लेकिन योगी ने तब भी मोर्चा संभाले रखा। महिला आरक्षण का मुद्दा आया तो योगी ने सबसे पहले विरोध किया, पार्टी छोड़ देने की बात की, लेकिन क्या हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया। अब मोदी शाह की जोड़